रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का, इसने लड़कों को एक नया दुख देके रख दिया। इसने क्या किया है कि कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। इसकी कहानी टोटल सुनिए, 2019 में इसकी वैकेंसी निकली, एग्जाम में नहीं ले रहा था। 2020 में हम लोगों ने स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी का कैंपेन चलाया, तब ससुरा एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद क्या किया, रिजल्ट नहीं दिया। फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया ससुरा आ जा। रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है, कह रहा है कि 20 गुना है। कैसे किया, इतना बड़का चोर है ससुराई कि एक लड़का का, एक कैंडिडेट का चार चार बार रिजल्ट दिया और उसको चार जगह गिन रहा है। देखो 4 गुना है यहाँ पे है आप, तो ये नौटंकी करके रख दिया। हम इसका एकदम जीता जागता हम आपको लाइव एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए पीके सर है, मैथ पढ़ाते, पहले ये धनबाद में रेलवे डिपार्टमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आए। लड़कों के लिए मैथ वाला बताए, 2019 में अमूमन क्या होता है, पैटर्न जानने के लिए भी फॉर्म भर देते हैं, तो सर भी फॉर्म भरते हैं। इनका रिजल्ट 3 जगह दिया है, खुद नौकरी छोड़ के आए हैं, यहाँ भी रिजल्ट दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, जबकि सर को कहीं नौकरी नहीं करना। वो अमूमन आदमी ऐसे भर देता था कि चलो पैटर्न को देखना है, और ये 2019 का है, ये 2022 में किसको पता रहता है क्या होगा क्या नहीं रहेगा। तो एक आदमी का तीन चार जगह रिजल्ट दे रहा है, अब सर को तो ऑलरेडी जॉब छोड़ के आए हैं, और उसके बाद से कहाँ जॉब करेंगे, इनका 3-3 जगह रिजल्ट दिया, बताइए। अरे भैया पहले रिजल्ट दे देते, सबका एक लिस्ट निकालते, जिसका जैसा नंबर उस हिसाब से रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ससुरा एक के बार में 3 आदमी का दे दिया। बाद में सिलेक्शन एक ही जगह का होगा, यहाँ पे जो सीट बच जाएगी उस सीट को बेच दिया जाएगा ब्लैक में, वहां पर यही तो हो जाता है। यहाँ पे रेलवे वाले भी सब पिकुलियर है, पिकुलियर नहीं वो कहिए पिकुलियर के पावर ये ना, जैसे हम लोग सर एग्जाम में बैठते रहते हैं कि पैटर्न देखते हैं कि जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो उस पैटर्न पर आ रहा है कि नहीं, और क्या दिया जाए। तो हम दिए तो ये देखिए, 3 जगह हमको दिया गया, जिस प्रकार के पीछे बार जो एनटीपीसी में दिया रिजल्ट, जैसे पहले पीटी लिया गया, उसके बाद फिर पीटी में सबका रिजल्ट हुआ, उसके बाद मेंस में, फिर साइको दीजिए अपना पोस्ट बाय पोस्ट, जिनका टाइपिंग था वो टाइपिंग दिया। लेकिन अभी कहा क्या कि सर पहले ही बार पीटी में ही पोस्ट वाइज कर दिया, लेकिन ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए था, रेलवे चेयरमैन को। मेन था कि सर पहले पीटी में सबका क्लियर कर देता, 20 गुना सिर्फ नाम मात्र का, लगभग 3 से 4 गुना, जैसे एक ही विद्यार्थी को 5 बार गिना जा रहा, तो 4×5=20 गुना उसी को कर दिया। देखिए इसमें एक और समस्या क्या है, इंटर वालों को तो पूरा बर्बाद कर दिया है, इंटर वालों को तो मतलब ऐसा बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं, ग्रेजुएशन वालों को तो थोड़ा बहुत बक्सा भी है इस वजह से। देखिए दूसरा है कि हम लोग जो फ्री टीचर पॉलिसी थी कि भाई एक पहले हम पढ़ा देते थे, सारे टीचर पहले एक बार पढ़ाते, फिर दूसरे टीचर आएंगे उसको रिवीजन कराएंगे, तीसरे टीचर आके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, और जो ऑफलाइन में आएंगे लड़के उनके लिए तो 4 टीचर पॉलिसी रखे, एक वो स्पेशल टीचर लाठी लेके खाली पीटने के लिए वहां पे। लेकिन बड़ा तकलीफ होता है इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए जब जान बूझ के बर्बाद किया जाता है इस तरह से, तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है। आप लड़कों के लाइफ से खेल रहा है, और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके एग्जाम के लिए रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे। आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था, जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था, 4-4.5 लाख लड़कों का, 3 महीना लड़ा आदमी, लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था, उनका मॉडिफिकेशन लिंक, इसको भी सुधारा जाएगा। और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज उठाइए, अरे यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए, हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाए, जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे। और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाए, उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया। हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, सुधार के हम लोग लिया जाएगा। आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे, आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।